या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। साहिल भाई हैं, सवाल इनका ये है कि औरत का बच्चा दानी निकलवाना कैसा है। यानी बहुत सारे केसों में जो है ना औरत के बच्चा दानी निकाल दी जाती है, निकलवा दी जाती है, तो ऐसा करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। देखें, बच्चा दानी को निकलवाना बेवजह तो ये नाजायज़ और गुनाह और हराम काम है। जबकि यानी बच्चों की तादाद यानी फैमिली प्लानिंग के हिसाब से अगर निकलवाई जा रही है तब तो ये सख्त गुनाह और हराम है। और निकलवाने वाले निकालने वाले ये दोनों गुनाहगार हैं। इस पर रजामंदी अगर किसी की है तो वो भी गुनाहगार, और इसमें जो है ना बेपर्दगी बेसित्री के मामले में भी गुनाहगार होंगे। और अगर बच्चा दानी निकलवाने की कोई ऐसी शदीद मजबूरी है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा इन्फेक्शन फैल गया है कि जिसके बढ़ने का अंदेशा है, या कोई बड़ा मौजी मर्ज होने का अंदेशा है और उसके निकलवाने में ही खैरियत है, औरत के बचने का अंदेशा, तो निकलवाई जा सकती है। या फिर इस तरीके की ब्लडिंग वाला कोई हादसा एक्सीडेंट हुआ है कि जिसमें बच्चे दानी निकालने से औरत की जान बच सकती है, तो अगर इस सिचुएशन पे निकाली जाएगी कि उसके निकालने से ज़िंदा रहा जा सकता है, तो पहले जान बचाने को अहमियत दी गई है शरीयत के अंदर, तो फिर उसके बच्चे दानी को निकलवा सकते हैं। यानी कोई ऐसी इंजरी हो या ऐसा कोई इन्फेक्शन फैलने वाला मामला हो, बड़ी बीमारी हो, या कोई हादसा एक्सीडेंट हुआ, ब्लीडिंग बहुत हो, औरत की जान को ख़तरा हो, तो इस एतबार से जो है ना बच्चेदानी निकाली जा सकती है। इसी तरीके से इन मिसालों के हिसाब से अगर कोई दूसरी भी चीज़ें बंदे के साथ पेश हैं कि हाँ उसके अंदर इसके निकालने के अलावा चारा नहीं है और दवाई वगैरह से ठीक नहीं हो सकता या इसका भी इलाज वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस सूरत में होता है। और सिर्फ इसलिए कि फैमिली प्लानिंग करनी है और बच्चे की तादाद आगे ना बढ़े और प्रोटेक्शन दूसरे इस्तेमाल करने के बावजूद भी लापरवाही हो जाती है, तो भी इस केस में जो है ना बच्चे दानी निकालना निकलवाना ये सख्त हराम है, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। अब जो लोग ऐसा करवा चुके हैं, औरतें ऐसा करवा चुकी हैं, तो उनको जो है ना इसकी तौबा करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करनी भी चाहिए, इसके ऊपर हमेशा नदामत ही रहनी चाहिए और कुछ सदका खैरात भी इसके एवज़ में, इसके बदले में करना चाहिए। और इस तरीके का काम ये बच्चेदानी निकलवाना एक तरीके से जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर दिया है बंदे को उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए। कोई भी पार्ट उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है कि इसे निकाल के फेंको या दूसरा चीज़ जो है ना वो लगा लो। जो जिस तरीके की कुदरती बनावट है वो वैसी ही है। जब तक कोई सख्त मजबूरी ना हो, फ़कत ये कि अपने लापरवाही की वजह से कि फैमिली प्लानिंग हो या इस तरीके की सोच रखने की वजह से निकलवा देना चाहिए। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्मे दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा